So, हम बात कर रहे थे ई e कॉमर्स की ई e कॉमर्स होता क्या है ई e मतलब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो मतलब मैं बात कर रही हूँ जो भी काम आपका ऑनलाइन सिस्टम पे हो रहा है थ्रू इंटरनेट हो रहा है सो ई कॉमर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डीलिंग इन ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज कमर्शियल मतलब जिसमें आप लेन देन कर रहे हो ठीक है वो सारा कमर्शियल आपकी सारी एक्टिविटीज बीच में आ जाएंगी विच कैन बी डन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट वही जो चीजें आपको एक्सप्लेन करी गई हैं। सो कमर्शियल कॉमर्स ट्रेडिंग के साथ डील करता है मतलब ट्रेडिंग के साथ रिलेटेड है ना तो जो ट्रेडिंग हो रही है बाइंग एंड सेलिंग हो रही है आप जो भी सर्विसेज़ ट्रांसफर कर रहे हो चाहे वो मनी के लिए कर रहे हो पर वो कर कैसे रहे हो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वो हमारा ई e कॉमर्स है दीज कॉमर्शियल एक्टिविटीज अब एग्जाम्पल लिखी है आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गुड्स की लेनी हो ऑर्डर प्लेस करना हो डिलीवरी या आपने डिलीवरी लेनी हो या फिर आपने पेमेंट करनी हो डिलीवरी के बाद ठीक है अंडर दिस सिस्टम सेल परचेज ऑफ एवरी टाइप ऑफ थिंग इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस इज पॉसिबल सो एक तो उन्होंने पहले जो एग्जाम्पल लिखी है वो तो तो आप लोगों को समझ में आ गई अगर आप इन शॉर्ट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बाइंग एंड सेलिंग थ्रू ऑनलाइन साइट्स फॉर एग्जाम्पल स्नैपडील एमेजोन ये तुम्हारा किस में आ जाता है ई e कॉमर्स में पर इसमें सिर्फ आप गुड्स की बात कर सकते हो ना क्योंकि आगे इन्होंने ये भी लिख दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ चीजें गुड्स ही नहीं परचेज कर सकते आप कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या आपने ऑनलाइन कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली कोई सर्विस ले ली है आप लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराते हो एयर टिकट बुक कराते हो वो क्या है ई e कॉमर्स ठीक है क्योंकि आपने ऑनलाइन सर्विस ली उसके बदले में आपने पेमेंट करी और जब ये टू वे डीलिंग्स होती है वो कॉमर्स ही आएगी सो so, यहाँ तक आई होप तुम्हें कॉमर्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ई ई बिजनेस 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 की e क्या है है so, सो uh, इन्होंने लिखा कि इज अ ब्रॉड टर्म एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर इट्स कॉन्सिटेंट्स ठीक है ये इसके क्या है एलिमेंट्स हैं बेसिकली इंडस्ट्री और कॉमर्स इसमें आ जाते हैं अब इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है इंडस्ट्री जहां पे चीजें प्रोड्यूस होती हैं ठीक है आगे लिखा है उन्होंने प्रोडक्शन जो भी आपकी है इसके साथ और रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाएंगी फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री है मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं धागे से जो भी आप लोगों का थ्रेड है उससे कपड़ा बना रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ वो इंडस्ट्री है मैं रॉ मटेरियल से फुटबॉल बना रही हूँ ठीक है कोई कॉस्मेटिक बना रही हूँ तो वो चीजें क्या है आप लोगों की इंडस्ट्री मर्स commerce, तो कॉमर्स commerce में आप लोगों ने इसके एड्स टू ट्रेड ट्रेड भी पढ़े है ना तो ये एड्स आ जाएंगे इसमें ट्रेड uh, तो आती ही उसके बाद एड्स टू ट्रेड आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन वेयर हाउस ये चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में कम्पलीट करी थी तो ये ब्रॉड टर्म में बात करते हैं ये इन्होंने ये नहीं लिखा कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग अगर बाइंग एंड सेलिंग को करने में आप ट्रांसपोर्ट की हेल्प ले रहे हो तो वो भी इसके बीच में आता है अगर आप बाइंग सेलिंग करने में कुछ कम्युनिकेट करो तो कम्युनिकेशन भी इसका एलिमेंट है तो ये सारा जो है ये इसके आप किस में लेते हो कॉमर्स में आगे पर ये तो इन्होंने मीनिंग लिखा और ये तो हमें फर्स्ट चैप्टर में पता ही है पर एंड में आपने जब तक ये चीज ना लिखी तो मीनिंग आपका इनकम्प्लीट रहेगा वो लाइन क्या है ई बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क कि जब ये काम कर रहे हो चाहे प्रोडक्शन हो रही है जो भी तुम लोगों ने सर्विसेज देनी है लेनी है चीजें प्रोड्यूस करनी है जो भी कर रहे हो जब ये ऑनलाइन के मीडियम के थ्रू होएगा, इंटरनेट के थ्रू होएगा, तब तक हम इसको क्या कहेंगे ई कॉमर्स या ई बिजनेस अगर मैं बात करूं स्कोप ऑफ ई बिजनेस की तो बच्चे स्कोप का मतलब ये होता है दायरा इस हम पढ़ते हैं कोई भी कॉमर्स का क्या स्कोप है बी कॉम कर ली तो इसका आगे क्या स्कोप है कि जो हम कर रहे हैं या जो भी एक कंसेप्ट है उसका दायरा कहा मतलब कितना है या कहाँ तक वो चीज एप्लीकेबल है अब हम बात कर रहे हैं ई बिजनेस की कि जो ई बिजनेस है वो कौन कौन से एरिया तक या कौन कौन से एरिया में हम ई बिजनेस यूज कर सकते हैं फर्स्ट वन इन्होंने लिखा है बी टू बी कॉमर्स नाउ बी टू बी कोई अलग से बात नहीं आगे ब्रैकेट में लिखा है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स सिंपल सी बात एक समझा दू बिजनेस टू बिजनेस मीन जब चीजें आप प्रोड्यूस करते हो बेचते हो या सर्विसेज लेते हो देते हो एक बिजनेस फॉर्म दूसरी बिजनेस 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 को देती है दैट इज टू जब ने चीजें कस्टमर को बेची दैट इज बिजनेस टू कस्टमर जब एक बिजनेस ने मतलब विद इन अ बिजनेस एक ही जैसे कंपनी है रिलायंस उसमें से एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प करी दैट इज इंट्रा बिजनेस कॉमर्स इंट्रा क्या होता है एक ही बिजनेस के बीच में और इंटर क्या होता है एक से एक बिजनेस और दो दो बिजनेस मतलब आपस में लग, लग, लग वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। को बेच दी तुम लोग क्या बिजनेस चला रहे हो नहीं तुम्हारी क्या इंडस्ट्री है नहीं तुमने क्या किया एक कंज्यूमर ने या एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को अपनी चीजें बेची है पर फ्री में तो नहीं बेची उसके बदले में आपने क्या लिया उनसे ऐसा लिया दैट इज कस्टमर टू कस्टमर आई होप थोड़ा बहुत तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या चीज कवर करनी है सो so स्टार्ट करते हैं विद बी टू बी कॉमर्स जब भी कोई चीज आप खरीद रहे हो बेच रहे हो ठीक है जिसमें कितनी बिजनेस फर्म्स इनवॉल्व है एट लीस्ट 2 दोबारा रीड कर रही हूं बी टू बी कॉमर्स इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन उसको हम कहेंगे business to business. अब होता है जरूर ऐसे बहुत बार ऐसे होता है ठीक है फॉर uh, एग्जाम्पल जैसे पहले ये एग्जाम्पल पढ़ती हूँ फिर मैं आपको अपने से एक एग्जाम्पल देती हूँ अब इन्होने एग्जाम्पल लिखी है एक प्रोड्यूसर फॉर्म है दूसरी रॉ मटेरियल वाली फॉर्म है मतलब मैं प्रोड्यूस करती हूँ और आप लोगों के पास रॉ मटेरियल है पर आपका भी तो बिजनेस है ना रॉ मटेरियल का बिजनेस हो चाहे प्रोड्यूस करने का बिजनेस तो बिजनेस होता है मैंने आपसे रॉ मटेरियल लिया और चीजों को प्रोड्यूस किया आप भी मेरा भी बिजनेस बिजनेस मेरा तो ये क्या हो गया बी टू बी कॉमर्स अब दूसरी एग्जाम्पल सुनिए मैं बहुत बार एग्जाम्पल आपको ये चीज देती हूँ कि अगर मैं बात करू किसी कार की या मैं किसी मोबाइल फोन की बात करूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी स्क्रीन उसके जो उसमें प्रोसेसर होता है या जो भी उसमें एप्लीकेशन होती है क्या वो खुद के फोन की होती है नहीं वो क्या करते हैं बॉडी पार्ट कहाँ से लेके आते हैं जो ग्लास कार्ड है वो कहीं किसी और कंपनी का होता है उन सब चीजों को मिला के असेंबल करने के बाद एक नया प्रोडक्ट नया फोन बनाते हैं उसको अपने ब्रांड दे देते हैं चाहे वो सैमसंग है चाहे वो नोकिया है अगर आप लोग आईफोन यूज करते हो तो आईफोन की स्क्रीन आईफोन कंपनी की थोड़ी ना है वो तो किसी और कंपनी की है बट वो वहां से अपना रॉ मटेरियल जो भी अपना ग्लास कार्ड लेके आते हैं उसको सैम्बल करने के बाद वो चीजें आपको बेचते हैं पर वो नाम अपने प्रोडक्ट का देते हैं अगर किसी कार की बात करूँ तो जो उसमें टायर वगैरह होते हैं या जो उसमें इंजन वगैरा होता है वो उसी कंपनी का थोड़ी ना होता है वो किसी और कंपनी से वो चीजें उठा के लेके आते हैं किसी और बिजनेस से उठा के लेके आते हैं उसको वो एक कार में असेंबल करते हैं और उस कार को अपना नाम दे देते हैं कोई अपना न्यू ब्रांड जो भी उनका है सो ये वो चीज है कि जब एक प्रोड्यूसर फर्म या कोई भी एक फर्म दूसरी फर्म को चीजें बेच रही है क्योंकि ये एग्जाम्पल लिखी है तो मैं इसलिए रीड कर रही हूँ कि एक प्रोड्यूसर है एक रॉ मटेरियल है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एक रॉ मटेरियल वाली फर्म होगी एक प्रोड्यूसर फर्म होगी किसी भी तरीके से दो फॉर्म्स दो बिजनेस दो कंपनी जब आपस में डीलिंग करेंगी हम उनको क्या कहेंगे बी टू बी कॉमर्स हेयर एम से डीलिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग या कुछ भी नेगोसिएशन तो आपकी हो सकती है आगे लिखा है एक्टिविटीज लाइक like, आप कोई भी इंक्वायरी ले सकते हो गुड्स की ऑर्डर प्लेस कर सकते हो आपने कोई भी पेमेंट करनी है बट मेक श्योर ये सारा काम किसके थ्रू होना चाहिए थ्रू इंटरनेट ओनली देन हम आ, इसको जो है वो ई e बिजनेस के स्कोप में डालेंगे अदरवाइज तो ये है, इसका कैटेगरी नहीं है ठीक है जी अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बी टू सी कॉमर्स आई थिंक ये सबसे ईजी है ऐसी हैं ऑलमोस्ट सब चीजें ऐसी जो तुम्हारे दिमाग में है कि सारी चीजें बनाई जाती है तो यूज नहीं करते वो किन को बेचते हैं कस्टमर को सो so ये क्या है बी टू सी कॉमर्स बी टू सी कॉमर्स वन पार्टी इज अ फॉर्म और कंपनी और इंडस्ट्री एंड द अदर पार्टी इज अ कस्टमर इसकी कोई भी एग्जाम्पल लिखो इसकी जो आपको एग्जाम्पल याद आती है आप लिख सकते आप और सर ले रहे हो तो एल आईसी एंड सेलिंग की बात कर रहे हो तो ऑनलाइन साइट तो आपकी है कौन सी, का दे दो, तो आप दे सकते हो यहाँ पे ऑन अ कस्टमर इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कहते हैं कि जो कस्टमर है वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है इंटरनेट से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई फेवरेट प्रोडक्ट है फिर उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा वो आइटम्स को लेगा बट इंटरनेट के थ्रू और ऑनलाइन पेमेंट करेगा या कैश ऑन डिलीवरी जो भी कर रहा है सो so, ये चीजें क्या है बी टू सी कॉमर्स में आती है और ये फैसिलिटी जो है वो राउंड द क्लॉक मतलब ऐसा नहीं है कि अमेजोन वाले ये कहते हैं कि सात बजे के बाद ऑर्डर प्लेस मत करना अगर तुम फ्री हो तुम रात को भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो दो बजे रात को करो सुबह सात बजे करो जैसे भी करना है राउंड द क्लॉक ये फेसिलिटी तुम लोगों को अवेलेबल है ऑन दर हैंड दिदेल्प ऑफ इंटरनेट कैन मेक अ सर्वे एनी टाइम टू नो हू इज बाइंग ऑफ कस्टमर अब ये वाली अंडरलाइन करिए लाइन इन्होंने ये बात क्यों लिखी है कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल जो है कस्टमर का पता चल जाता है आप जब भी कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो एमेजन के ऊपर फ्लिपकार्ट जिसके ऊपर भी वहां पर रेटिंग लगी होती है टू स्टार एंड रिव्यूज होते हैं कस्टमर्स के तो ये क्या है आप लोगों को पता चल जाता है कस्टमर्स तो मैं ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए हम कौन सा लेते हैं प्रोडक्ट स्टार जिस हो और जिसके रिव्यूज भी ज्यादा अच्छे हों सो so आप लोगों को ये पता चल जाता है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए कस्टमर्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आई होप तुम लोगों को ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की इंट्रा बी कॉमर्स इंट्रा बी कॉमर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू फॉर्म क्योंकि दो फॉर्म जब आएंगे तो मतलब, कौन सी एग्जाम्पल दी तुम्हें की रिलायंस कंपनी है उसके दो डिपार्टमेंट है आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं जो भी मतलब चीजें खरीद बेच रही है ट्रांजेक्शन कर रही है अब यहाँ पे दार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर टू परसन दो पर्सन हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा थ्रू इंटरनेट इट इज पॉसिबल फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरक्ट कॉन्स्टेंटली विथ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्योंकि ये चीज तो लिखना प्लीज मत भूलिएगा क्योंकि बात ही किस चीज की कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड की तो अगर आप ये चीज नहीं लिख रहे हो कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से बात करी बाइंग एंड सेलिंग कर ली आई एम सॉरी ये इनकम्प्लीट मीनिंग है पर चाहे ट्रेडिंग करी है जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन ली है या दी है बट वो इंटरनेट के थ्रू ली है तो वो इंट्रा बी कॉमर्स में कैटेगराइज हुएगा एंड ऑल्सो गेट कस्टमाइज गुड्स मेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर कि मान लो कि जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट था मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रिलेटेड विद सेल्स जिसको पता है कंज्यूमर्स को क्या चाहिए कस्टमर्स को क्या चाहिए तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑनलाइन मोड के थ्रू बताया इन्फॉर्मेशन दी कि कस्टमर्स ये मांग रहे हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनके लिए गुड्स बनाओ सो so ये जो डीलिंग्स होएगी ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो इंट्रा बी है इन दिमिलर वे वन कैन वेरी क्विकली गेट इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन मतलब की इन्फॉर्मेशन भी वो ब्रांचे कम है और चाहिए, कम चाहिए, जो भी चीजें हैं और जैसे परस, आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है वो क्या करता है रिक्रूटमेंट जो ऑनलाइन वैकेंसी ऑनलाइन निकलती है ना आपको लिंक इन अकाउंट का पता होगा क्विकर डॉट कॉम का पता होगा नौकरी डॉट कॉम का पता होगा वहां से आप लोगों की जो है रिज्यूमे लिए जाते हैं सीवी लिए जाते हैं सिलेक्शन होती है, ठीक है ये सब कुछ जब इंटरनेट के थ्रू वो करते हैं वो किस में आ जाता है इंट्रा बी सो बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज सर्विस का मतलब समझते हो देख नहीं सकते बट आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो चाहे वो इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहे हो आप उनको एंड देन लास्ट वन सी टू सी कॉमर्स कस्टमर टू कस्टमर ठीक है अब इन्होंने फर्स्ट में लिखा है कि जो दो वो दोनों पार्टीज होती हैं वो कस्टमर्स ही होती हैं ठीक है ठीके? वो बाइंग एंड सेलिंग करती हैं गुड्स की अब नेक्स्ट में आपको रीड करके बताती हूँ कौन सी बाइंग एंड सेलिंग की वो बात कर जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है विदाउट एनी इस्टेब्लिश्ड मार्केट कि कोई मार्केट तो नहीं है अगर आप लोगों ने मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप लोग जो है सेकेंड हैंड गुड्स अपनी फ्रेंड को बेच रहे हो तो क्या तुम लोग किसी मार्केट में जाके बेचते हो नहीं पर्सनल लेवल के ऊपर आप सेल कर देते हो एग्जाम्पल लिखी है ओल्ड बुक्स को सेल करना ठीक है आप किसी को कपड़े वगैरह दे रहे हो बाटर सिस्टम कर रहे हो कि आप मुझे कपड़े दे दे दो तो मैं आपको बुक्स रही किसी भी तरीके को कोई और डीलिंग भी हो सकती है थ्रो इंटरनेट दी अच्छा इसकी एग्जाम्पल है मुझे बिल्कुल अभी दिमाग में याद नहीं आ रही uh, मैंने ना रिकॉर्ड सो बात कर रहे थे हम लोग जहां पे आप लोग डीलिंग करते हो तो प्लीज इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो OLX. अब वहां पे होता क्या है कोई कोई बिजनेस नहीं नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा कंपनी रही एक कस, कस्टमर जो होता है वो दूसरे कस्टमर को अपनी चीजें बेचता है अपनी एक्टिवा स्कूटी की एक, वो फोटो खींच के डाल देता है किसी को चाहिए इस रेट के ऊपर जो भी कस्टमर नेक्स्ट मिलिंग होगा वो आपके साथ डील कर लेगा पर ये डीलिंग हो रही है चाहे पुरानी बुक्स बेचनी है चाहे आपने कपड़े बेचने आप कुछ भी बेचना चाहते हो बट आप किसके थ्रू कर रहे हो ये सब कुछ ऑनलाइन मोड के थ्रू ठीक है ऑनलाइन एप्स के थ्रू अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स पेमेंट वगैरह की दी हुई है कि आप लोग ऑनलाइन थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो आप हेल्प ले सकते हो uh, ये सब चीजें आप इसकी जगह पे अगर ओ एल एक्स एग्जाम्पल लिखो मुझे लगता है कि वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट उसी चीज से किया था सो so, ये चीज आप लिख लेना ये एग्जाम्पल अगर आप पढ़ना चाहते हो ये वाले लिखना चाहते हो आप ये भी लिख सकते हो इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं